माय नेम प्रियंका, आज हम चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.5 का सेकंड सम करेंगे। किसी वृत्त की एक जीवा पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघुचाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा अधिक चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम है, एक सर्कल है। एक सर्कल है, उसके अंदर एक जीवा है। यहाँ एक ट्रायंगल बनाती हूँ और जो उसका सेंटर है वहां भी एक ट्रायंगल बनाती हूँ। एक ट्रायंगल अपने नीचे बनाती हूँ। अब इसका नाम है ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन में बोला है जो त्रिज्या है वो वृत्त की जीवा के बराबर है, यानी जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। ये जो तीनों साइड है वो एक दूसरे के बराबर है। इसको हमने माना है एक्स, तो ये तीनों हो गया एक्स। फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। सेंटर का अदर पॉइंट जो होता है एक थर्ड टेंपरेचर जो 9 है उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला एंगल, अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। अगर एंगल तो जो एंगल ए सी बी है वो 30 डिग्री होगा। बाय थ्योरम 10.9 जो थ्योरम में कहती है एक जो वृत्तखंड से बने कोण है जो सेंटर है इसका हाफ होता है। सेंटर का ये जो पॉइंट ऑफ हाफ होता है ये 60 है और इन दोनों का जो जोड़ है एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 है। क्योंकि एक सर्कल के अंदर चतुर्भुज है तो यहाँ पे यार ए सी बी जो है वो 30 डिग्री है, तो यहाँ लेकर 30 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आएगा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री। थैंक यू।